नमस्कार, मैं हूं सन्नी प्रजापति और इस समय हम मौजूद हैं महादेव कॉलोनी गली नंबर 2 में। और आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष, या कहें पूरी की पूरी गली यहां पर मौजूद है एक समस्या को लेकर। कल रात से ये पूरी गली परेशान है कि जो तेज़ तूफान कल आया था उस वजह से बिजली गुल हो गई थी। आरोप क्या है, इन्हें सब जानने की कोशिश करेंगे। जी, सबसे पहले मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम सरोज है जी। क्या, किस प्रकार की दिक्कत आ रही है आपको? हमारे ना कल की लाइट गई हुई है तो बहुत परेशान हो रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, जैसे गर्मी में परेशानी हुई पड़ी है। कृपया करके हमें जरूर जल्दी से जल्दी लाइट का प्रबंध करें जी। तो क्या अधिकारियों से मिले, बिजली बोर्ड में गए, क्या कुछ सुनने को मिला, क्या कुछ आश्वासन उन्होंने दिया? जी सर, हमने अपने MC विनोद सोनी जी से भी बात करी है, दोपहर को करी थी उनके पास, कम से कम 1:30 के करीब हमने बात करी उनसे। उन्होंने यही बोला कि आधे घंटे के अंदर लाइट आ जाएगी, बट अभी तक लाइट नहीं आई जी। पास में ये जो बिजली बोर्ड है, आप यहाँ अधिकारियों से मिले, इन्होंने कुछ कहा हो आपसे? वहाँ पे जेई साहब थे, वो बोलते हैं कि लाइट तो, वैसे तो लाइट 1 हफ्ता लगेगा ठीक होने में जो लाइट की खराबी हुई है, लेकिन हम कहीं से अरेंज कर देते हैं और वो भी 2 घंटे में आए, 3 घंटे में आए तब आएगी लाइट। हमारे अभी आपको वेट करना है। कॉलोनी में आधी कॉलोनी में है लाइट, आगे इसी से मिली है जी। और ये वार्ड नंबर कितना है? ये वार्ड नंबर, ये वार्ड नंबर 2 है। और सामने जो है, मैं कैमरामैन, वो 31 वार्ड है, लेकिन ये गली एक ही है। गली एक है, एक इस पूरी गली में, हालांकि वार्ड अलग अलग है, इस पूरी गली में लाइट नहीं है। तो आपको संयम थोड़ा सा रखना चाहिए, जब अधिकारियों ने बोला है कि लाइट आ जाएगी, तो क्या आपको क्या लगता है कि उनकी बात पे आपको विश्वास क्यों? संयम कब तक रखें? रात को 8 बजे से लाइट गई है और अब 4 बज चुकी है, लाइट नहीं आई। बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, इन्वर्टर खत्म हो चुके हैं, ना पानी है ना लाइट है जी। हम भाई साहब से बातचीत करेंगे जी। सर, आपका शुभ नाम? सर नमस्कार, मेरा नाम वरुण है जी। जो ये कल से लाइट गई है ना, जब आंधी तूफान आया था, तब से हम बहुत परेशान हो रहे हैं। देखो, आप गली में छोटे छोटे बच्चे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सभी अपने अपने घरों में परेशान हो रहे हैं इतनी गर्मी में। देखो, अब ये जो रहने के लिए हमें साधन मिले हुए हैं, हम उन्हें कैसे पूरा कर पाएंगे अपने उसको? हमारे जो फ्रिज में सामान पड़ा है वो खराब हो रहा है, जो घरों में सामान पड़ा है वो खराब हो रहा है। तो अधिकारियों को ये देखनी चाहिए चीज़। हम अधिकारियों के पास जा रहे हैं, अभी हम मिलके भी आए थे अधिकारियों से, बट उन्होंने हमारी कोई जवाब का, हमें कोई महत्वपूर्ण जवाब नहीं दिया, हमें कोई सर्टिफिकेशन आंसर नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने बोला भी हम पता करते हैं लाइट आ जाएगी, वो खुद तो बैठे हैं, उनके पास वहाँ लाइट जल रही है, पर उनको देखना चाहिए ना, हमारे यहाँ पर सब चीज़ें खराब हो रही हैं। कभी रात 8 बजे से लाइट नहीं है और छोटे छोटे बच्चे सारी रात परेशान रहे, जागते रहे, रोते रहे, चिगलाते रहे। मैं यही प्रार्थना करूँगा अधिकारियों से, बिजली वालों से, कि बच्चों की तरफ ख्याल करें। बिल्कुल भी नहीं सुनवाई, वो बोलते हैं कि SDM के पास जाओ, जो पेवा चौक पे है वहाँ पे जाके उनको बोलो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास, हम खुद भी ना, हमारे पास इन्वर्टर है ना हमारे पास लाइट है जी। हम भी चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे, संबंधित अधिकारियों से अपील कर रहे हैं कि इस कॉलोनी में या लोगों की जो समस्याएं हैं, इनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए और यहाँ पर जल्दी से जल्दी लाइट पहुँचाई जाए। मतलब कल रात की 8:30 बजे की लाइट जा रही है, तूफान आया था और सारे जितने भी नगर के बच्चे, बुजुर्ग, बुढ़िया, जवान तड़फन लग रहे हैं, रहाकर हाथ धोने के लिए पानी नहीं है। पीना तो बहुत दूर की बात है, हाथ धोने के लिए पानी नहीं है, बुरा हाल है। जमें 1912 नंबर पे 14 बार कंप्लेंट करवा ली है। पहली बात तो 6-6 बार करो, उठाते ही नहीं, और वो खामे जे सारा बायोडाटा ले, इंक्वायरी पूरी करें, वो दे दें। आप इंतज़ार कीजिए, 1 घंटे बाद आ जाएगी। मैं कहा जी 4 घंटे बाद हो गए, फिर थोड़ी देर में आ जाएगी, अपडेट कर दिया, आपके पास मैसेज आ जाएगा, नो रिस्पांस। यहाँ जो सीवन गेट पे दफ्तर है बिजली शिकायत के अंदर, यहाँ 9 बार कर लिया मैंने, 1 घंटा में आ जाएगी, 1.5 घंटा में आ जाएगी, 1/2 घंटा में आ जाएगी। भाई साहब, कल रात की 8:30 बजे की लाइट, अभी तक बुरा हाल है। इस समय हम मौजूद है कंप्लेंट सेंटर में और यहाँ पर कोई भी अधिकारी या कोई कंप्लेंट लिखने वाला नहीं है, पूरा खाली पड़ा है। लेकिन यहाँ पर लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि कहाँ पर आप कंप्लेंट लिखते हैं, लिखवाने के लिए गए, क्या कुछ उन्होंने कहा? यहाँ इस कार्यालय के अंदर ऑफिस है, कंप्लेंट ऑफिस, हम जब भी यहाँ आते हैं मिलते ही नहीं हैं। ये आपके सामने देखो खाली पड़ा है, अभी यहाँ कोई कर्मचारी नहीं मिलता। फ़ोन नंबर भी अगर 20 बार करो, 1 या 2 बार बड़ी मुश्किल से मिलता है, और अगले कहते हैं भाई हमें पता नहीं है लाइट कब आएगी कब नहीं आएगी।
और सारे नगर के निवासी सारे दुखी हैं, तंग हैं, परेशान हैं, क्यों गर्मी में हर घर में कोई कोरोना का मरीज पड़ा है, कोई बुखार का पड़ा है। एक तो वो गर्मी, एक वैसे ही गर्मी, इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा है। पीने का पानी कल ख़त्म हो लिया, नहाने का नहीं है, हाथ धोने का नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारी तो आपसे विनती है 20 यहाँ कर्मचारी मिलने चाहिए और जो समस्याएं सारे नागरिक नोट करवाते हैं उसका समाधान होना चाहिए ताकि किसी को परेशानी न हो। आप हो गए सर यहाँ पर, बिल तो पूछ लो कि ये भी टैक्स, वो टैक्स, फलाना टैक्स, काम कुछ भी नहीं है। कर्मचारी यहाँ नहीं है, अगर एसी में सोए पड़े अपने, मैनेज पब्लिक परेशान है, हमें कोरोना से बाहर ना निकलो, घर मर जाए फिर फांसी खा के और क्या करें बताओ। लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं कंप्लेन लिखवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर अधिकारी मौजूद नहीं है। आप साइड भी नहीं है भाई साहब, कहाँ से हो आप? ये पीछे गली में महादेव कुलन में इस साइड की है, बाकी हमारी तरफ की है कि नहीं, गली की है जी। तो संबंधित अधिकारियों से हम अपील करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान करना चाहिए। इस समय एक और नंबर से जुड़ी समस्या है आपको हम बताते हैं कि जो हेल्पलाइन नंबर जो बिजली बोर्ड का इन्होंने अपनी साइट पे जो डाला हुआ नंबर है, जो बिजली बोर्ड की जो साइट है उस पे जो नंबर डाला हुआ है, उस नंबर को लेकर भी एक भाई साहब परेशान है कि मेरा नंबर डाला हुआ है, कंप्लेंट लोग इन पे कर रहे हैं जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जय सिंह है जी, मैं बीपी का मरीज हूँ। लेकिन लोग रात को भी 12-1 बजे मेरे को फ़ोन करते हैं सर बिजली बोर्ड से, उनको मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। आज भी सुबह से मेरे को काफ़ी फ़ोन आए हुए हैं, लेकिन मैं बड़ा परेशान हूँ इससे। आज मैं इसीलिए इनको कहने आया हूँ भाई ये नंबर मेरा निकाल दो ताकि मैं आराम से सुखी नींद तो सो सकूँ जी। आप देख सकते हो इन भाई साहब का, इन जनाब का नंबर साइट पे डाला हुआ है, लोग कंप्लेंट करते हैं। तो आप कहाँ से हैं? मैं ये सीवन गेट पे हूँ, एजेंसी है मेरी, सीवन गेट पे एजेंसी है। तो इन भाई साहब के पास फ़ोन करते हैं, इनको परेशान करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो इनका नंबर बदल दिया जाए और जो असली वाला नंबर है, जो बिजली बोर्ड का असली वाला नंबर है, वो साइट पर डालना चाहिए ताकि लोग अपनी समस्या लिखवा सके, शिकायत दर्ज करवा सके।